हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों क्या थे? तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ना तो ये प्रॉपर एक सॉन्ग है, ना ही ये प्रॉपर कोई ट्रेलर है, क्योंकि ये जो वीडियो है प्रॉपर सॉन्ग हम कहेंगे इसको, क्योंकि ये जो वीडियो है ये नेपाली सॉन्ग और हिंदी सॉन्ग दोनों सॉन्ग्स को मिक्स करके बनाया गया है, क्योंकि एक बैटल है। बैटल के नाम पे हम हिंदी सॉन्ग और नेपाली सॉन्ग को सुनेंगे कि कौन सा बेटर है, ओल्ड से लेकर के न्यू तक। एक वीडियो मुझे मिला है जो कि सोर्स ऑफ बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल से हम लोग उस वीडियो को देखेंगे, जिसमें बताया गया कि नेपाली सॉन्ग और हिंदी सॉन्ग, मतलब जो बॉलीवुड सॉन्ग है उसमें से कौन सा सॉन्ग ज़्यादा बेटर है, दोनों को कंपेयर किया गया है। चलिए उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आगे चल के उसकी बात करेंगे। और हाँ, इसको एक तरह से बैटल नहीं लेंगे, एक तरह का हम देखते हैं कि वीडियोस में जानेंगे कि नेपाली सॉन्ग कैसे हुआ करते थे और अब कैसे, और हिंदी सॉन्ग पहले कैसे हुआ करते थे और अब कैसे हैं, दोनों में क्या प्रोग्रेस आई है, क्या दोनों ने ग्रोथ किया है, क्या डेवलप किया है। ओके, तो इसको कंपटीशन या बैटल के रूप में हम नहीं देखेंगे, हम इसको एक नॉर्मली एक वो ले लेते हैं कि एक रिव्यू के टाइप में ले लेते हैं कि भाई दोनों सॉन्ग में से पुराने सॉन्ग पहले हिंदी ऐसे हुआ करते थे, नेपाली सॉन्ग पहले ऐसे हुआ करते थे, अभी ऐसे हैं, तो कौन सा बेटर है, कौन सा क्या, वो अपनी अपनी चॉइस है। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करते पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा और फेसबुक मैसेज करके भी अपनी रिकमेंडेशन मुझे दे सकते हो, जिससे कि मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आप लोगों का वेट आकर लेके चलता हूं मैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं सोर्स ऑफ बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल से, और इस वीडियो का नाम है हिंदी वर्सेस नेपाली सॉन्ग बैटल। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इंजॉय करते हैं। 1 2 3 को। हिंदी सॉन्ग वर्सेस नेपाली सॉन्ग बैटल। This is just for fun and entertainment. Don't take it seriously. Fun and entertainment. Okay, guys. Salman, Rajdeep, Shah Rukh, Ranveer, Shahid, Amitabh Bachchan. Round one. ये तो बहुत famous हुआ था। बोला तू। वैसे इंद्रो अच्छा यार, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ यार, ये कुट्टू मा कुट्टू जो गाना था, इस गाने के व्यूज बहुत ज्यादा, मतलब आई थिंक 200 मिलियन के आसपास है, लेकिन ये गाना मैंने अब तक सुना नहीं है। मैंने काफ़ी सुना है इस गाने के बारे में, लेकिन मैंने ये गाना अभी तक नहीं सुना, उसमें मैंने रिएक्शन भी नहीं किया, तो इस पर रिएक्शन बहुत जल्दी आने वाला है। और बैटल हुआ है स्नैक से, करेंगे सबका स्वागत और कुट्टू मा कुट्टू के बीच में। पहले था कोका कोला तू और मेरा फिगर कोका कोला नेपाली गाना, तो उसमें दोनों ही गाने मेरे को तो बढ़िया लगे। और स्वैग से करेंगे सबका स्वागत और कुट्टू मा कुट्टू में मैंने कुट्टू मा कुट्टू सुना नहीं है, लेकिन उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन स्वैग से करेंगे मेरा स्वागत मैंने सुना है, तो अभी तो मेरे को स्वैग से करेंगे सलमान का गाना ही मेरे को अच्छा लगा। अभी कुट्टू मा कुट्टू सुनूंगा, उसके बाद डिसाइड करते हैं कौन सा गाना है। अभी इस पर हम बिल्कुल भी एकदम रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते हैं। ओके, देखते हैं और भी वीडियोस देख लेते हैं। राउंड 3। किसके साथ है कंपटीशन? तमिल बजा। ओहो, ये कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल एकदम टक्कर देने वाला था। शाहरुख खान की फिल्म रईस का था लैला में लैला, और दूसरा गाना नेपाली का तमिल बाजार, तो वो गाना भी बहुत अच्छा गाना है। मैंने उस गाने को भी पूरा नहीं सुना, मैंने थोड़ा सा गाना सुना था, लेकिन यार मेरे लिए तो लैला में लैला गाना मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मूवी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन लैला में लैला गाना की तो बात ही अलग है, क्योंकि उसके अंदर जो एक्ट्रेस है सनी लियोनी, वो तो मतलब एकदम खतर है, जहर है, जहर। चलिए आगे चलते हैं, अगली वीडियो देखते हैं कौन सी है। ओके, स्टार्ट करता हूँ राउंड 4। नाच मेरी जाना, कंपटीशन हो गया। नाच तेरी,
तो मैं आपको बता दूं, नाच मेरी जाना और नाचा फिरीरी, मैंने नाचा फिरीरी फर्स्ट सॉन्ग नहीं, मैंने सेकंड सॉन्ग सुना था नाचा फिरीरी का, वो मुझे बहुत पसंद आया। और नाच मेरी जाना मेरे को यार इतना ज़्यादा खास नहीं लगा डांसिंग के ऊपर, था तो नाच मेरी जाना ठीक है, लेकिन अभी चलते हैं तो मुझे तो भाई नाचा फिरीरी जो सेकंड वाला था वो ज़्यादा अच्छा था, फर्स्ट का पता नहीं, तो इसको हम टाई करते हैं। ओके अगला सुनते हैं राउंड 5। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोल सारे 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 ते ते। अरे भाई साहब ये वाला जो गाना है ना ढोलना और सारे सारे, मैं जाता हूँ भाई सारे सारे के साथ, क्योंकि इसका जो म्यूज़िक है ना बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जो आपकी चॉइस है जो आपकी पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। ओके हम वीडियो को आगे सुनते हैं फिर फाइनल रिजल्ट निकालते हैं ठीक है। अभी राउंड 6 चल रहा है। तो भाइयों स्लोली स्लोली और धीमे धीमे में, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, बताता हूँ कि धीमे धीमे और स्लोली स्लोली जो नेपाली गाना है मैं जाता हूँ भाई धीमे धीमे के साथ, क्योंकि मैं नेपाली गाने भी मैंने ज़्यादा सुने नहीं हैं। बाकी धीमे धीमे जो गाना है वो तो उसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, बाकी नेपाल में भी खैर हिंदी गाने चलते हैं तो वहाँ पर भी आप बताइएगा कि धीमे धीमे कितना फेमस हुआ था कितना नहीं हुआ था, तो धीमे धीमे बेस्ट है। काफी पुराना गाना लग रहा है माया ले बुलायो, और जो ओ जाने जाना है सलमान खान का ये गाना है, तो मतलब काफी पुराना गाना है और काफी सुपरहिट सॉन्ग है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा ये गाना, तो अब मैं क्या बोलूँ इस गाने के बारे में। चलिए आगे सुनते हैं बाकी के गाने, राउंड 8 देखते हैं, फाइनल डिसीजन हम बाद में ही करेंगे, सारे गाने सुन लेते हैं पहले। गो विद नेपाली सॉन्ग, क्योंकि मेरा वाला गाना सुना नहीं है, सैड सॉन्ग, अब हम सैड सॉन्ग की तरफ आ गए। आशिकी टू का गाना था बुला देना मुझे, और ये पागल ना बन सकूं, ये भी सैड सॉन्ग लग रहा है, लेकिन जो गाना मुझे अच्छा लगा जो मैंने सुना है वो तो था भाई देखो भुला देना मुझे ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही डीप सॉन्ग है। बाकी ये जो गाना है ये भी काफ़ी लोगों को पसंद होगा, तो आप लोग बताइएगा कि ये गाना कैसा है, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा गाने सुने नहीं हैं नेपाल के, कुछ कुछ गाने सुने हैं, तो चलिए और सुनते हैं, राउंड 10 पे आते हैं। ये गाना मेरे को बहुत पसंद है। राउंड 11 क्या है? देखो भाई गाने के जो मीनिंग है इन्होंने कैसे इस वीडियो में कैसे लाए हैं ये, कि मतलब अगर लिरिक्स जिसके मैच कर रहे हैं घंटी बजी हो दिल ने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी, मतलब तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी और ये घंटी बजी हो दोनों में घंटी बढ़ा रहा है तो उन्होंने बैटल कर दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों गाने अपनी जगह बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन गाने हैं। राउंड 12 चलते हैं हम, राउंड 12 में क्या है? क्या बोले दोनों गाने मुझे बहुत ही गजब के लग रहे थे, पूरा गाना नहीं था स्टार्टिंग है, सभी गाने जो है स्टार्टिंग के दिखा रहे हैं, लेकिन सुपर हिट तो दोनों कंट्रीज में दोनों गाने हैं, लेकिन फेविकॉल के व्यूज बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस में बहुत ज़्यादा मिलियंस में हैं, और फेविकॉल हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा सुने थे जब ये मूवी आई थी दबंग 2, उसका गाना है तो बहुत ही बेहतरीन गाना। चलिए आगे चलते हैं, राउंड 13 देखते हैं। से मिले दिल में उठा दर्द करारा जीने लगा वो बिरती को मीठा तिरसना
कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा गाना ज्यादा अच्छा है कौन सा नहीं, दोनों बहुत ही बेहतरीन गाने चल रहे हैं। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा ऐतबार कर लो। इसके बाद कंपटीशन है सान सानो कुरामा की नयती तेरे। अगर मेरी चॉइस पे जाओगे तो मैं तो हमेशा अक्षय कुमार की साइड ही रहता हूँ देखो, क्योंकि वो मेरा फेवरेट एक्टर है और मुझे काफ़ी अच्छे भी लगते हैं उनके गाने उनकी एक्टिंग। तो ये गाना मेरे को अक्षय कुमार का ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कौन सा अच्छा लगा। ओके ये तो काफ़ी पुराना गाना है कर देती कर देती और अभी भी लोग तो बहुत सुनते हैं। ये तो भाई मुझे नेपाल के लोग भी पता सकते हैं कि ये गाना कितना सुपर हिट था। बाकी चलते रहूँ क्रिस्टीन की तरफ। धीरे धीरे इस दिल का छीना है करा। दोनों तरफ के गाने बहुत मीठे हैं बहुत प्यारे। राउंड 17 मेरे रब्बा रब्बा मेरे शौक का रब्बा रब्बा दोनों गानों मतलब सेम ही लग रहे हैं मेरे को, सेम ही लग रहे हैं। क्या आप इसमें क्या डिसाइड करेंगे? कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बेटर, मतलब पूरा कंफ्यूज हो गया हूँ इतनी, मतलब क्या वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। कसले चोर हो मेरे मन, कसले चोर हो मेरे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा 1000 लाइक फॉर पार्ट टू, अगर आप पार्ट टू चाहिए तो इसमें तो 1000 लाइक देने पड़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है हिंदी वर्सेस नेपाली सॉन्ग्स बैटल का, तो स्टार्टिंग में तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि यार कौन सा बेटर है। मैंने वीडियो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा था बीच बीच में कि लैला में लैला ज़्यादा बेटर है या फिर जो अदर नेपाली गाना है वो ज़्यादा बेटर है। धीरे धीरे करके हम जैसे आगे बढ़ते गए तो कॉम्पिटिशन और ज़्यादा टफ होता गया। तो इसमें तो पूरा डिसाइड ही नहीं कर पाया यार कौन सा कंट्री का सॉन्ग ज़्यादा बेटर है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि दोनों कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि भाई इनका ज़्यादा गाना अच्छा है, हिंदी सॉन्ग ज़्यादा अच्छे हैं या फिर नेपाली सॉन्ग ज़्यादा अच्छे हैं। देखो जो हिंदी सॉन्ग सुनता होगा उसको हिंदी सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, जो नेपाली सॉन्ग सुनता होगा उसको नेपाली सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी एक विनर की, तो किसी एक को हम विनर नहीं बता सकते क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लिरिक्स हैं, अलग अलग म्यूजिक्स हैं और उसी तरह से इन्होंने अपने अपने म्यूज़िक को इतना धुन दी है, जो लिरिक्स हैं उसको मिला करके एक मीठे मीठे गाने बनाए हैं। दोनों कंट्रीज के सुपरहिट गाने हैं, तो हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, कोई बैटल नहीं था। हम बस हिंदी सॉन्ग्स पुराने और नेपाली सॉन्ग्स पुरानों को देख रहे थे कि धीरे धीरे उन्होंने कितना ग्रोथ किया है, कितना वो म्यूज़िक में कितना परफेक्शन लेके आए हैं। लेकिन जो पुराने सॉन्ग है ना उनमें बात ही अलग थी। जैसे बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो सच्चाई है, उसको तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। आज की डेट में जो बॉलीवुड में जो चल रहा है, मैं बॉलीवुड का बताता हूँ, जो पुराने गाने थे, जो काफ़ी पुराने गाने थे 70s के या 80s के जो गाने थे, उसको रिमिक्स बना के 2020 में 2019 में से पेश किया गया। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, ऐसा लगता है कि सिंगर के पास कुछ है ही नहीं है, वो लिख ही नहीं सकते कुछ पर, तो पुराने गानों को रिमिक्स बना दिया, तो वो सारी चीज़ें तो बेकार लगती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, न्यू गाने बनाने चाहिए जो कि आगे चल के लोगों मतलब उनकी भी मेहनत दिखे, जो सिंगर्स हैं उनकी भी मेहनत दिखनी चाहिए ना कि हाँ भाई इसने नया गाना बनाया है, मेहनत करी है, तो आगे चल के हिट भी होता है, पॉपुलर भी होता है ना। तो बाकी इस बारे में ज़्यादा हम क्या बात करें, आप लोग ने तो पूरा वीडियो देख ही लिया। मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कौन सा गाना आपको ज़्यादा अच्छा लगा और आपका फेवरेट गाना कौन सा है। ओके फेवरेट गाने का लिंक दीजिए, मैं उस पर अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, तो बस लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने प्यार यूँ ही बरकरार रखिए, मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तभी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए।